इसराइल और हमास के संघर्ष को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने युद्ध रोकने के लिए अपने आह्वान को दोहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने गैयाना सेना और मानव सहायता भोजन के लिए सी कॉरिडोर बनाने की बात भी कही है। विदेशी कम वेल्थ और विकास कार्यालय पूर्व मध्य सागर में एक नौसेना जहाज की तैनाती की घोषणा की है और सहायता वितरण के लिए 9.7 मिलियन पाउंड तक की मदद करने की बात कही है। आइए नजर दौड़ाते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ नेता शक्तिशाली संस्थाओं के संपर्क में आ गए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्रवाई के बीच किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए इच्छा जताई है। खान ने कहा है कि अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वे देश की खातिर किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।